वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाइयों, काफ़ी सारे लोगों को शुगर की बीमारी हो जाती है। काफ़ी सारे लोगों की शुगर किसी भी कारण से कम होती रहती है और काफ़ी सारे लोगों की शुगर इलाज कराने के बाद भी कंट्रोल नहीं होती है। इसलिए काफ़ी सारे लोग अपनी शुगर को चेक करने के लिए ग्लूकोमीटर का सहारा लेते हैं और काफ़ी सारे लोग अपनी शुगर को पैथोलॉजी लैब पर जाकर चेक कराते हैं। तो भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अपनी शुगर को ग्लूकोमीटर से चेक करना बढ़िया होता है या पैथोलॉजी लैब पर जाकर चेक कराना बढ़िया होता है। तो इस विषय में सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो भाइयों, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को ग्लूकोमीटर को चलाने का सही तरीका पता नहीं होता है। वो गलत तरीके से ग्लूकोमीटर से अपनी शुगर को चेक करते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोमीटर की मशीन जो होती है वो गलत रीडिंग देती है और काफ़ी सारे लोग उस गलत रीडिंग को सही समझकर अपना इलाज कराते रहते हैं। भाइयों, काफ़ी बार ग्लूकोमीटर की जो मशीन होती है वो ख़राब हो जाती है और वो गलत रीडिंग को देने लग जाती है और काफ़ी सारे लोग उस गलत रीडिंग को सही समझकर अपना इलाज कराते रहते हैं। भाइयों, काफ़ी लोग पुरानी रखी हुई स्टेप से अपनी शुगर को चेक करते हैं और उसकी गलत रीडिंग को सही समझकर अपना इलाज कराते रहते हैं। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्लूकोमीटर के साथ में जो स्टेप की जो डिब्बी आती है, अगर आपने एक बार उस डिब्बी की सील को खोल दिया और उसी डिब्बी में से स्टेप को निकालकर अपनी शुगर को चेक कर लिया, तो भाइयों वो जो स्टेप होती हैं वो केवल एक महीने तक सही काम करती हैं, सही रीडिंग को बताती हैं। एक महीने बाद वो स्टिप गलत रीडिंग को बताती हैं। भाइयों, आप अपनी शुगर को अपने ग्लूकोमीटर से चेक करें और उसकी रीडिंग को किसी कॉपी में लिख लें और तुरंत ही आपको अच्छी पैथोलॉजी लैब पर ब्लड शुगर की जांच कराना है। तो भाइयों, आप क्या देखेंगे कि अगर आपके ग्लूकोमीटर में अगर आपको शुगर 200 आती है, तो भाइयों आप देखेंगे कि जो आपने पैथोलॉजी से जांच कराई है उसका जो वैल्यू है, उसका जो लेवल है, वो 220 आएगा। भाइयों, मैंने काफ़ी बार देखा है कि ग्लूकोमीटर की जो मशीन है काफ़ी बार शुगर को बहुत ही ज़्यादा बता देती है या काफ़ी बार शुगर को बहुत ही कम बता देती है, जिससे काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए भाइयों, अगर आपको शुगर की बीमारी है तो एक अनुमान के लिए ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करना सही होता है। लेकिन भाइयों, अगर आप शुगर की बीमारी का सही इलाज चाहते हैं तो भाइयों आपको केवल अच्छी पैथोलॉजी लैब से ही शुगर को चेक कराना बहुत ही बढ़िया होता है। भाइयों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। नमस्कार।